हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर फर्स्ट एंड आवर चैप्टर नेम इज ऑन इक्वलिटी। राइट, इक्वलिटी वर्ड इक्वल से बना है। इक्वल का मतलब होता है सब बराबर, समान, है ना। और इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, हिंदी अगर इसका वर्ड निकाला जाता है तो। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का नाम ऑन इक्वलिटी है और इस चैप्टर के जो स्टार्ट होता है, यानी बिगनिंग होती है इसका, इक्वल राइट टू वोट, है ना। एक कांता करके एक लेडी होती है, वो लेडी वोट डालने के लिए जा रही होती है और वोट डालते हैं तो कई बार क्या है कि अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो लाइन लगती है। उस लाइन के अंदर बहुत सारे आप इस जो ये चैप्टर है उसके फर्स्ट में देखोगे, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं। उस लाइन के अंदर कहीं धनी इंडस्ट्री है तो कोई डॉक्टर है तो कोई अलग अलग पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब उनके साथ में कांता बेन भी लाइन में लगी हुई है। तो इक्वल राइट टू वोट, हमारे देश के अंदर जिस तरीके से एक व्यक्ति को एक वोटिंग का अधिकार है ना, एक वोटिंग का राइट्स रखता है, वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करने वाला व्यक्ति हो, मेल हो, फीमेल हो, बस वन वोट वन वैल्यू, है ना। एक वोट एक मत और एक मूल्य, ऐसा रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स के बीच में कोई मतलब बाइफरिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये इक्वल राइट, उस समय कांता बेन बड़ी खुश होती है कि भाई सबको लाइन में लगना पड़ रहा है और सबको इक्वल वोट का राइट्स होता है। किंतु जैसे जैसे शाम गुजरती जाती है, वो कांता बेन क्या किसी व्यक्ति के वहाँ पर किसी इंडस्ट्री जो व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, उसके वहाँ पर वो झाड़ू पोछे का काम करती थी, घरों साफ सफाई का काम करती थी। वो शाम होते होते जाती है और उसके मन में आता है कि क्या हर जगह इक्वलिटी आती है, क्या हर जगह देश के अंदर इक्वलिटी पाई गई है। तो उसके बारे में देख रहे हैं हम, आगे पढ़ रहे हैं। अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, है ना, अन्य प्रकार की जो असमानता है, समानता है, वो किस किस तरीके से, तो इसके अंदर सारी चीज़ें दे रखी होती हैं कि किस तरीके से। देखो एग्जांपल से हम समझेंगे, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि करके व्यक्ति है, है ना, एक पर्सन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि 1950 to 2013 तक उसका समय माना जाता है, उसका एक टाइम पीरियड माना जाता है। और एक वो बहुत ही फेमस, है ना, फेमस दलित राइटर था, है ना। दलित शब्द क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। तो दलित राइटर था और उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम होता है जूठन, है ना। उस ऑटोबायोग्राफी के अंदर उसने बताया था, क्या बताया था कि किस तरीके से वो छोटा था, अपने स्कूल में पढ़ने जाता था, है ना। स्कूल का जो हेडमास्टर था और टीचर्स थे वो क्या करते थे, उसके साथ में झाड़ू लगवाते थे, दूसरे बच्चों के साथ में नहीं लगवाते थे, क्योंकि एक वो दलित, दलित शब्द का मतलब ये होता है कि जो तथाकथित पिछड़ी जाति से, है ना, लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाला जो पर्सन होता था वो दलित कहलाता है, ऐसी मान्यता है। संविधान में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है और सोशली ये बिल्कुल गलत है ना। तो वो उसके साथ में स्वीपिंग कराते थे, हैं, पूरे दिन झाड़ू लगाते थे, फिर उसके पिता आता है और उसको पता पड़ता है, फिर बच्चे के साथ में झाड़ू लगवाया जा रहा है, उसको पकड़ लेता है, हाथ पकड़ करके स्कूल के बाहर ले जाता है और कहता है कि यू आर अ टीचर सो आई एम लिविंग नाउ, तुम एक मास्टर हो इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, ये मत समझना कि मेरा बच्चा यहाँ नहीं पढ़ पाएगा, ये बच्चा भी यहीं पढ़ेगा और आने वाले दूसरे बच्चे भी यहीं पढ़ेंगे। तो एक तरह से किस तरीके से सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी की बातें तो होती हैं, वास्तव में हो भी रही है, कई जगह पर इक्वलिटी हो रही है, जैसे हम वोट डालने जाते हैं या दूसरी जगह पर हमारे साथ में इक्वलिटी होती है, या जैसे हम रेल होती है, बस है, ट्रेन है, प्लेन है, वहाँ सब जगह इक्वलिटी का व्यवहार होता है, हर लगभग होता है। पर कहीं जगह पर हम जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के अंदर देखते हैं तो हमको क्या है कि थोड़ा सा कहीं कुछ क्लासिफिकेशन वाली भी नौबतें यहाँ देखने में आती हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। और उसके साथ में दूसरा द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन इंसिडेंट दैट टुक, एक अंसारी, मिस्टर और मिसेस अंसारी हैं, वो क्या है कि रेंट पे उनके पास बहुत अच्छा पैसा रहता है और वो किसी दूसरे शहर के अंदर जाते हैं और वहाँ रेंट पे वो मकान लेने जाते हैं। वो किसी प्रॉपर्टी डीलर से मिलते हैं, उनको बहुत सारे मकान देखते हैं पर कोई उनको मकान देने की इच्छा नहीं रखता है, लोग बहाने बना देते हैं कि आप नॉन वेजिटेरियन इसलिए हम आपको नहीं दे सकते ये वो। तो एक देश में ये एक तरीके से जस्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से अनइक्वलिटी इस
कंट्री के अंदर बची हुई है, जैसे कास्टिज्म के बेसिस पे है, उसके बाद रिलीजन्स के बेसिस पे है। तो ये सारी दो एग्जांपल है आपके सामने, और फिर बाद में उनको लास्टली एक कोई मकान मिल ही जाता है। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी है ना, अब डिग्निटी है ना, ये जो डिग्निटी बहुत बड़ा वर्ड होता है ना, हर पर्सन की अपनी एक डिग्निटी रहती है, हर मेल की अपनी डिग्निटी है, हर फीमेल की अपनी डिग्निटी है ना, हर बच्चे की भी अपनी एक डिग्निटी है, जो मानवीय गरिमा है ना, ह्यूमन राइट्स जिसको कहते हैं ना, वो हर व्यक्ति की अलग 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 हर व्यक्ति के अपने होते ही हैं। वैन मैंने अंडरलाइन करके देखना पढ़ना, वैन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्विलिटी देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, है ना, जब किसी व्यक्ति की डिग्निटी, जब किसी व्यक्ति के साथ अनइक्विलिटी की जाती है, तब उसकी डिग्निटी क्या होती है, वायलेटेड होती है, दूषित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, इसके आत्मसम्मान को, सेल्फ रेस्पेक्ट को क्या होता है, धक्का लगता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो लास्ट में लिख रखा ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, दे डिजर्व द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनी वन एल्स। जिस प्रकार से हर व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का भूखा होता है ना, अपनी डिग्निटी का, वैसा ही रिस्पेक्ट ओम प्रकाश और अंसारी जी के साथ में भी होना चाहिए था। आगे क्या होगा, क्या है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। पुनः मेरा आप सभी से निवेदन है कि कोरोना अभी भी है, बार बार हाथ धोते रहिए, डिस्टेंस बनाते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले, ठीक है, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी के साथ। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।